हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो आज है श्राद्ध का आखिरी दिन। जैसे हमने मनाया था मातृनवमी, श्राद्ध की पूजा की थी, जैसे हमने मातृनवमी की पूजा की थी, उसी तरीके से आज में हम पितृनवमी, उसे सर्व पितृनवमी भी कहते हैं, या फिर आखिरी श्राद्ध, श्राद्ध का आखिरी दिन भी कहा जा सकता है। हमारे पूर्वज हैं, जैसे दादा ससुर जो भी हो, उनको सबको खाना खिलाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। जो भी हमने जैसे भी किया था मातृनवमी में, उसी तरीके से आज भी हम करेंगे। इसे हम सर्व पितृ अमावस्या पूजा कहते हैं। ये नवरात्रि के एक दिन पहले रहता है, जैसे कि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, उसी के एक दिन पहले ये पूजा रहती है। ये अमावस्या का, ये श्राद्ध का आखिरी दिन रहता है, तो इसी तरीके से हम इसे मनाने वाले हैं। और उसी की तैयारी चल रही है, और घर की साफ सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई है, क्योंकि इन सब चीज़ों में, पूजा में अगर आप जितना साफ सफाई रखते हो उतना ही अच्छा होता है। जिनके लिए हम कर रहे हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। किचन की साफ सफाई हो चुकी है, बस बाकी है खाना बनाना, जो कि गए टाइम हमने बनाया था खीर और दाल पूड़ी, जो मेन था उसमें। बट आज खीर तो रहेगा, बट दाल पूड़ी नहीं रहेगी, उसके अलावा कुछ अलग चीज़ें रहेंगी, खाना बनाते समय बताऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट नहाते, क्योंकि बहुत काम है और खाना भी बनाना है, और 10 बज चुके हैं, लेट हो रहा है। हे गाइस, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और अभी चलते फटाफट खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो रहा है और पूजा जल्दी करनी चाहिए। तो रेडी हो गए हैं, मेरी मम्मी भी। नहीं लगता बात, ये सेकेंडरी है। अगर मम्मी है तो ठीक है, अकेले खाना क्या करना है, क्या करना है। खाना भाभी के लिए सेकेंडरी है, पहले नंबर पे रील्स आता है। पहले नंबर पे रील्स आता है, अरे दूसरे आपको मेरे बारे में पता चलने लगा थोड़ा थोड़ा। दूसरे नंबर पे डेकोरेशन आता है, तीसरे पे आता है खाना, चौथ बच्चा चौथे। अच्छा, बस चला आ रहा है कि दाल ये बनानी है, इसकी पकौड़ियाँ, बाकी पता तो तुम्हें भी नहीं होगा इसकी क्यों बनाते हैं। पुरखा पुरनियम ना साल भर में एक बार आते हैं, 15 दिन के लिए, लेकिन ये है कि अभी पानी इस साल नहीं देना था, लेकिन त्योहार है ये, तो कम से कम उनको उनका भोग लगा सकते हैं, त्योहार तो कर ही सकते हैं। मिर्ची कोई नहीं खाएगा, पानी कौन देगा फिर? तीखा लगाते अब इसको क्या बनेगा? फुलौरी। फुलौरी मतलब? फुलौरी बड़ा फुलौरी, इसी में डालते हैं, इसी बड़ा की सब्जी में डालेंगे। सादी पूड़ी, मीठी पूड़ी? सादी मीठी पूड़ी नहीं बनेगी, मीठी नहीं। क्या क्या बनेगा मां टोटल? हैं? बड़ा पुलौरी ये जो बन रही है ये, और पूड़ी और खीर। खीर बनेगी? बन रही है, एक्स्ट्रा बनाना, मतलब एक्स्ट्रा तो बनेगी, लेकिन एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा बनाना। ये है
है फुलौरी का आखिरी स्टेप, इसके बाद में हमारी भाजी बन जाएगी। बड़ा बन रहा है, बड़ा फुलौरी बड़ा, फुलौरी बड़ा। तो खाना हो चुका रेडी और जा रहे हम चढ़ाने। कौआ कहाँ है? वही रख दिए निकल। एक गाय, एक गाय। नहीं आ रहा क्या? खाना खिला के तो हो गया। मैं और भैया आए थे नीचे, प्लेट्स तो हमने रख दी। अब गाय और कौवा कहाँ ढूंढेंगे, कुत्ते तो मिल गए। और हम भी चलते हैं खाना खाते फटाफट, क्योंकि बहुत भूख लग रही है और अभी बज रहे हैं 12:30। और भैया जी अपने ही दिन में चलते हुए। तो कल है नवरात्रि, तो आज हम थोड़ी मंदिर की डेकोरेशन कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मैंने सोचा उसको और डेकोरेट कर लेते हैं तो लाइट से अच्छा दिखेगा, और दिवाली भी आ रही है तो उसमें भी काम हो जाएगा। फटाफट से तो चलते हैं क्योंकि शाम हो गई है, फिर कल तो सुबह टाइम नहीं मिलने वाला। कल तो पूजा ही पूजा होने वाली है, कल तो स्थापना होगी माता रानी की, तो इसके लिए कल तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही ये काम कर लेते हैं। लाइट तो लगा दी मैंने, बट कम ही लग रही है कुछ। ये वाला निकाल दूंगी दीपावली में, दीपावली आने से, क्योंकि बाहर लगाने के लिए चाहिए। अच्छा। बस ये मंदिर वाला रहेगा। हाँ, मेरा डेकोरेशन हो गया रेडी। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये, मेरा मुंह तो नहीं दिख रहा है लेकिन ये बहुत सुंदर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।